इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम किसी भी कर्व के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम ये पढ़ चुके हैं कि हमें ये कर्व गिवन था जो कि फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का था, और हमने इसके लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना सीख लिया था। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हमने इनपुट में एक बड़ा इंटरवल लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो इनपुट में चेंज था वो एक बड़ा इंटरवल था, माना वह डेल्टा एक्स है, एंड उसके करेस्पोंडिंग जो हमें आउटपुट में चेंज मिला था वह माना डेल्टा वाई है। तो हम कह सकते हैं कि इनपुट में डेल्टा एक्स चेंज के करेस्पोंडिंग आउटपुट में डेल्टा वाई चेंज हुआ था। तो इस केस में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एंड ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्योंकि यहां जो डेल्टा एक्स था वह एक बड़ा इंटरवल था, तो अब सिंस हमें किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो ये जो डेल्टा एक्स है वह इस पॉइंट के लिए एक बहुत ही छोटा इंटरवल हो जाएगा। इसे यदि हम डी एक्स से रिप्रेजेंट करें तो इसके करेस्पोंडिंग जो आउटपुट में चेंज होगा वह भी बहुत छोटा होगा, उसको माना हमने डी वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो इस केस में जो इनपुट में चेंज है वह है डी एक्स, एंड इसके करेस्पोंडिंग जो आउटपुट में चेंज है वह है डी वाई। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है। क्योंकि हमने ये देखा था कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वह किसी इंस्टेंट पर या किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, एंड इस चैप्टर में आगे हम डेरिवेटिव के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं। तो माना हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जो डेरिवेटिव का नोटेशन होता है वह होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू था एफ एक्स तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसे ही हम एफ डेस एक्स भी लिखते हैं, एंड सिंस जो एफ एक्स है वह वाई के इक्वल है तो इसे हम वाई डेस भी लिख सकते हैं, एंड एक और इसका एक स्पेशल नोटेशन होता है विच इज कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स। तो ये सभी जो आपने नोटेशन देखे हैं वो सभी डेरिवेटिव के हैं। तो यदि आपको इनमें से कोई भी नोटेशन दिखे तो इसका मतलब होगा कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, या फिर उस फंक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है। तो आगे अब हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। यदि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है, इसका मतलब हमें उस फंक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी मिल जाएगी।